कोरोना संक्रमण के मामलों ने 50,000 की संख्या को पार कर लिया है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुए आंकड़ों के अनुसार अब तक देश भर में कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 52,952 तक जा पहुंची है। अगर 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या की बात करें तो आज जो है पिछले दो दिनों के आंकड़ों से आज स्थिति थोड़ा सुधरी है, लेकिन कल से स्थिति में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। 3561 नए मामले आज सामने आए हैं। कल हमने देखा था कि 2900 के आसपास का फिगर था, लेकिन आज 3561 मामले नए आए हैं। इसी तरह से अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 35,902 एक्टिव मामले निकलकर सामने आए हैं, जबकि 1783 मौतें हो चुकी हैं। और 24 घंटे में अगर मौतों की बात की जाए तो उस फिगर में कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से सुधार देखने को मिल रहा है। जो कल तक 100 का आंकड़ा पार कर चुका था वो आज 89 का आंकड़े के आसपास सिमटा हुआ है और 89 लोगों ने अपनी जान इस कोरोना के कारण गंवाई है। अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या देखी जाए जो कि लगातार बढ़ रही है वो 15,266 तक जा पहुंची है, जिसमें कि ठीक होने वाले जो 24 घंटे में ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 1,084 है। यानी कि जो प्रतिशत है ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत है वो तकरीबन 28% के आसपास बना हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आंकड़ों में ऊपर नीचे की जो स्थिति पैदा हो रही है ये कहीं न कहीं बता रही है कि जिस तरह से अचानक आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है अब वो बढ़ोतरी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सरकार का ये कहना है कि फ्लैट जो कर्व है वो अभी भी फ्लैट है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे और ये आंकड़ा आगे चलकर एक बड़े नंबर में बदल गया और किसी तरह से जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अलग तरह के मामले हर रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार लॉकडाउन की छूट और कोरोना के नए मामलों की बढ़ती संख्या के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाती है ताकि कोरोना संक्रमण के नए मामले आगे चल के बढ़ के निकल के ना आ पाए। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।